नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जल्द घरेलू सीरीज का मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन इस सीरीज से पहले भारतीय टीम के साथ साथ खेल प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल बुधवार को टीम इंडिया में 4 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और नवदीप सैनी शामिल हैं। वहीं खेल प्रशंसकों के लिए बुरी खबर है कि दोनों ही वनडे और T20 मुकाबले में दर्शक ग्राउंड का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें, 4 प्लेयर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रह सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 4 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके बाद टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है कुछ इस प्रकार रह सकती है। आप सुनिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। टीम इंडिया की वनडे के लिए प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रह सकती है। इसमें रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे के मुकाबले 6 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, जबकि T20 के मुकाबले 16 फरवरी से शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें, वनडे के मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि T20 के मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाएंगे। दर्शक दोनों ही सीरीज में टीम के साथ ग्राउंड का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और उन्हें घर से ही इन मुकाबलों को देखना होगा। खेल जगत की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर।